रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आ चुका न्यू गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पे मैं लैंड हुआ हूँ जो सिटी पे, और मेरे साथ दो स्क्वाड और लैंड हुई है, और लैंड होते ही मेरे को मिल जाती है यूजी। ये बंदा काफी प्रो प्लेयर था, ये मेरे को पिस्टल से ही मारने की सोच रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है और मैं निकल जाता हूँ उसने लूट पूरी करने। तो यहाँ पे मेरी लूट अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये बंदा मेरे पे पुश कर देते हैं और उसके बाद देखते जाओ क्या होता है। ये बंदा इतनी तेजी से ऊपर आया जैसे मेरे को पक्का मार ही देगा, लेकिन ये स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो चुकी है और इन बंदों को बाय करके मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ। Not a problem. इस बंदे ने को काफी देर से परेशान किया हुआ था, क्योंकि ये घर के छत पे चढ़ के इधर से उधर फायर दे रहा था, जिससे मेरे को इसकी कंफर्म लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ के इस साइड आ जाता हूँ, जिससे इसको लगता है कि मैं वहाँ से चला गया। और फिर ये बंदा निकलता है बंदों की पेटियां लूटने के लिए और मैं इसको आराम से मार देता हूँ। और ये आईपैड व्यू वाला गेम प्ले आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैं इस बंदे की पेटी लूटने जा रहा था और तभी देखो अचानक से क्या होता है। अगर हल्का सा पहले मैं इन बंदों पे फायर करता तो एक बंदा कंफर्म नॉक होता। ये बंदे सामने लगे हुए हैं और ये बंदे जाम मुझ के बार बार गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे पीक दूँ और एक बंदा मेरे को मार दे। मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज कर लिया है और इन बंदों को ये बात नहीं पता है, और अब देखते जाओ क्या होता है। तो यहाँ पे अब सामने वाली टीम के दो बंदे नॉक है और अब मैं इन पे पुश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये टीम भी फिनिश हो चुकी है और ये क्लच आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब मैं जा रहा हूँ जोन में और यहाँ पे जो मेरे साथ सीन होता है ना वो आप लोग खुद देखो। जैसे मैं इनके एक बंदे को नॉक देता हूँ तभी ये बंदे मेरी कार ब्लास्ट कर देते हैं और मैं अपनी कार से एकदम चिपक के खड़ा था, जिससे मैं यहाँ पे आउट हो जाता हूँ और मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी संभालने का मौका भी नहीं मिला था। और इस चांस में लैंड हुआ हूँ जोजो पुल में और जस्ट में बगल वाले हाउस में दो बंदे और लैंड हुए, तो जैसे उन बंदों को गन मिलती तो वो बंदे कन्फर्म मेरे पे पुश करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे गन मिल चुकी है और अब ये बंदे मेरे पे पुश करने वाले हैं। I got supplies. तो यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैं बिना डैमेज पाए नॉक कर देता हूँ और इन बंदों की पेटियां लूटने के बाद मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ। तो जिन दोनों बंदों को मैं नॉक इन फिनिश किया था उन दोनों बंदों के टीममेट उनको रिकॉल देने के लिए यहाँ पे जो सिटी पे आ जाते हैं, उसके बाद देखो क्या होता है। तो यहाँ पे इनका एक बंदा नॉक हो चुका है और मैं इन बंदों पे पुश करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे अब इसके दो बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं और अब सिर्फ एक बंदा अलाइव है जो कि सामने की तरफ कहीं छिपा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे ये बंदा भी फिनिश हो चुका है और अब मैं निकलता हूँ जोन में दूसरे बंदों के पास। तो यहाँ पे मैं जोन में जा ही रहा था तभी मैं सामने की तरफ से गाड़ी जाते हुए देखता हूँ और मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि सामने की तरफ बंदे बीच कैंप किए हैं। इस बंदे को नॉक करते ही तुरंत मैं पुश कर देता हूं। इस बंदे को अभी तक यही लगा था कि मैं वहीं पे हूं। तो यहाँ पे लास्ट ऑफ बंदा भी फिनिश हो चुका है। ये बंदा पहाड़ी के पीछे है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से ये बंदा मेरे को यहाँ से आर पार दिख रहा है लेकिन मे बी आई उस बंदे को कनेक्ट नहीं हो रही है। ये बंदा शायद दूसरी टीम का था इसलिए ये बंदा यहाँ पे सीधा फिनिश हो जाता है और इस बंदे को यहाँ पे स्नाइपिंग करने की काफ़ी देर से चुल्ल मची हुई है। अब जोन छोटी होने वाली है और इन बंदों को अब जोन में आना पड़ेगा और मेरी किस्मत पहली बार इतनी अच्छी है कि जोन मेरे फेवर में है। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं जोन में आते हुए नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और इसके टीममेट अभी भी जिंदा है। तो एक और बंदे को मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और अब सिर्फ दो बंदे अलाइव है जिसमें से एक बंदा मैं बगल वाले अपार्टमेंट में है और एक बंदा सामने की तरफ कहीं है। और अब मेरा फोन यहाँ पे काफी ज्यादा हीट हो चुका है जिससे मेरे को यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप नोटिस हो गया है गेम के अंदर और मैं यहाँ पे कोई भी कूलिंग फैन यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है। दो दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और अब मेरा फोन यहाँ पे काफी ज्यादा हीट हो चुका है क्योंकि मैं दो घंटे से लगातार गेम खेल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के साथ।
यहाँ पे मैं सामने वाले अपार्टमेंट में आ जाता हूँ और दोनों बंदे इसी अपार्टमेंट में हैं। यहाँ पे ये बंदा ऊपर की तरफ मॉली फेंका था, लेकिन इसके पीछे से आके मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और अब सिर्फ एक बंदा अलाइव है जो कि नीचे वाले फ्लोर पे है, तो अब देखते जाओ क्या होने वाला है और चिकन डिनर किसका होता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं बिना मिले चिकन डिनर हो चुका है। तो आप लोगों के गेम प्ले कैसे लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।